का पैसा लेते हैं, आटा पीसा है कमीनों वाले का, वो 10 रुपये भी हमारे ऊपर सर, और फिर बिजली भी हमसे उठा के जनाब वाली वो भी वाला हमारे ऊपर, ये भी जाती है सर। और यह जनाब की मेहरबानी होगी इस पर नजरसानी कर तकलीफ करें, क्योंकि यह डीसी ऑफिस में फैसला तो शुदा है। और यह बायोमेट्रिक के बारे में से साहब ने जनाब को फरमाया, यह आपको आपके नोटिस में है। तीसरी एक अहम चीज, हमें बिजली भी नहीं चाहिए, हमें आटा भी नहीं चाहिए, हमें गंदम भी नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म की फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी जमीनों की तहफुज चाहिए। जमीन हमारे पास है तो सब कुछ है। अभी ग्रीन टूरिज्म के नाम पर एक पहाड़ हमारे ऊपर गिराए जा रहे हैं सर। दूसरा सर, जब भी कोई चीफ सेक्रेटरी यहाँ तयन होता है, वो किसी न किसी गरज से वो उधर से हिदायत लेके आते हैं ऊपर से। आते ही उसने एक ऑर्डर जारी किया, सन 1984 से लेकर अब तक के जितने भी इंतकाल नौतोड़ों के तहत हुए उनके फिरेज मुरतब की जाए और उन तमाम को मंसूख की जाए। इस आकाम को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं सर। ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि पंजाब में सर शामिला कमीशन हुसूल राजी बनती है, वहाँ मुआवजा बनता है। मैं जनाब को कानून के रूप से अर्ज करता हूँ, 5 चीजें जो है जनाब रिन्यू कमिश्नर या रिन्यू बोर्ड सीनियर मेंबर बोर्ड के पास यही अख्तियारत नहीं है कि वो किसी के नाम पे इंतकाल अलाट करें। आबादी थे ये किसी के नाम पे अलाट नहीं होता है, ये लैंड रेन्यू एक्ट के शीर्ष नंबर 12 में लिखा हुआ है। मौकूफा किसी के नाम पे अलाट नहीं होता है, चरागाह किसी के नाम पे अलाट नहीं होता है, और जो अवामी इज्तिमा के जो मुश्तरका जो है जमीन वो किसी के नाम पे अलाट नहीं होता है। आज हमारे ऊपर ये पहाड़ गिराए जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कभी उधर बलूचिस्तान से आता है, कभी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी आता है, कभी जो है हसीन का कोई मजहरा आता है वो ऑर्डर करता है कि भाई फलान के इंतकाल मंजूर किया जाए, फलान के नाम पे इंतकाल किया जाए। मैं जनाब के नोटिस में ये बात जानना चाहता हूँ, यहाँ आप तमाम मवाजात के इंतकाल चेक करें, तस्दीक शुदा इंतकाल चेक करें, तो जनाब को मालूम होगा